हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी जीएसटी पेपर सॉल्विंग वीडियोस एंड आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर को तो क्वेश्चन नंबर फोर में अभी हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फोर सी इसके पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हैं जो ऑलरेडी पेपर में पूछे गए थे एंड आई होप कि आपने सारे सेशन्स ध्यान से देखे होंगे तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर सी में क्वेश्चन नंबर फोर सी इज़ अगेन द क्वेश्चन रिलेटेड विद वैल्यू ऑफ सप्लाई तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में होता क्या है आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं एंड हमें सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं एंड अकॉर्डिंगली हमको टोटल वैल्यू ऑफ़ सप्लाई ढूंढना है एंड टोटल वैल्यू ऑफ़ सप्लाई ढूंढने के बाद हमें जी एस टी सी जी एस टी एंड एस जी एस टी दोनों चीज़ें कैलकुलेट जो है वो करनी है तो अगर आप एम कॉम के स्टूडेंट हो और अगर आपको टैक्सेशन के सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं आता है ऐसा लगता है कि टैक्सेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ूँ तो मैंने एक कोर्स बनाया है जी के ऊपर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप ऐप में जाके एनरोल उस कोर्स में कर सकते हैं सब कुछ वीडियोस उधर सिस्टमेटिक वे पे आएगा उतने सारी चीज़ें अगर करके गए तो एक्सटर्नल एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और अभी हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो टी का एग्जाम जो सेमिस्टर सिक्स का हुआ था उसका पेपर है बेसिकली टीवाई के जो क्वेश्चन है वो आप एम कॉम में भी यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं सिलेबस तो सेम है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर सी में मैसर्स अजय एंटरप्राइजेस अ रजिस्टर्ड सप्लायर प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स विद रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद मैसर्स विजय एंटरप्राइजेस तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना वैल्यू ऑफ दी गुड्स एंड यहाँ पे एक वर्ड है इंक्लूसिव ऑफ सी जी एस टी नाइन परसेंट एंड एस जी एस टी नाइन परसेंट इसका मतलब ये जो फाइव लैख नाइनटी थाउजेंड की वैल्यू है दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जी एस टी तो जब भी इंक्लूसिव ऑफ जी एस टी है तब आपको ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का आपको करना पड़ेगा नाइन परसेंट और नाइन परसेंट मतलब टोटल एटीन परसेंट इस फाइव लैख थाउजेंड में इंक्लूड है तो बच्चे कैसे गलती करते हैं फाइव लैक नाइन्टी थाउजेंड का डायरेक्ट एटीन परसेंट ढूंढते और माइनस करते हैं ऐसा नहीं करना है तो वैसे कैलकुलेशंस जब होंगे इंक्लूसिव का कैलकुलेशन जब होगा तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट ध्यान में रखना है हम लोग करेंगे कैसे कर रहा है बताता हूँ टैक्सेस अदर देन सी जी एस टी एंड एस जी एस टी दिया है इंश्योरेंस पैकिंग ट्रांसपोर्ट टेस्टिंग चार्जेस डिजाइनिंग सब्सिडी तो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था आपको याद रखना है सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे मिलेगा तो दैट इज नॉन टैक्सेबल एंड सब्सिडी अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे दिया जाएगा तो दैट विल बी टैक्सेबल करना क्या है बहुत सिंपल चीज है

तो 118 के लिए फाइव लैक नाइन्टी थाउजेंड विल बी योर वैल्यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चन तो हमें ढूंढना है 100 के लिए हाउ मच तो वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ 100 इज टू क्वेश्चन मार्क देन वी विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग 100 इंटू फाइव लैक थाउजेंड डिवाइडेड बाई हंड्रेड एंड एटीन तो हमें फाइव लैक्स वैल्यू मिल जाएगा अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में समझो फाइव परसेंट फाइव परसेंट आता है या सिक्स परसेंट आता है तो सिक्स और सिक्स ट्वेल्व हो जाएगा तो एक सौ बारह परसेंट लेंगे तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कुछ भी परसेंटेज आया तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इंक्लूसिव आएगा तो ही ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और अगर इंक्लूसिव नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं करना है सीधा लिखना है तो फाइलेक्स एक्स वैल्यू क्वेश्चन से जितने भी आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज थे सारे एक्सपेंसेस आपको धीरे धीरे ऐड करते जाने हैं लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर इसमें कोई जीएसटी है तो जीएसटी ऐड मत कर देना बिकॉज जीएसटी हम ही कैलकुलेट करते हैं लास्ट में जाके देन वी हैव एडेड सब्सिडी तो मैंने आपको अभी बताया था कि सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देगा तो नॉन टैक्सेबल है लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स के बेसिस पे सब्सिडी मिला है तो दैट इज टैक्सेबल एंड टेन थाउजेंड इज टैक्सेबल वॉट एवर टेस्टिंग चार्जेस वॉज दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल फिर आपको करना क्या है फाइव लाख रुपीज़ में ये सारे वैल्यूज़ ऐड करने हैं वी गॉट द वैल्यू फाइव लाख एटी एट थाउजेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन ये फाइव लाख वैल्यू जो है ये कैलकुलेट करना थोड़ा ट्रिकी था बिकॉज यहाँ पे अगर आप फाइव लाख नाइन्टी थाउजेंड ले लोगे तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा फाइव लैख एटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपको वैल्यू मिल गया दिस इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड इसके ऊपर हम जीएसटी भी कैलकुलेट कर देंगे जीएसटी हमको कैलकुलेट करना है नाइन परसेंट नाइन परसेंट ये टोटल करेंगे तो दिस विल बी टोटल वैल्यू ऑफ़ सप्लाई ये जो फाइव लैक एटी एट फाइव हंड्रेड आया इसको आप ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया है बट दिस कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई देन उसके ऊपर सी जी एस टी एस जी एस टी हम लोग ने नाइन नाइन परसेंट कैलकुलेट कर दिया तो फाइनल आंसर हमको मिल गया सिक्स लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड फोर थर्टी एक एक्सपेंसेस था हमारा डिजाइनिंग चार्जेस इनकर्ड बाय विजय एंटरप्राइजेस नॉट ऑन बिहाफ ऑफ अजय एंटरप्राइजेस इज नॉट इंक्लूडेड तो अगर हम ये क्वेश्चन को देखें तो देखो डिजाइनिंग चार्जेस पे एडजस्टमेंट्स था डिज़ाइनिंग चार्जेस इनकर्ड बाय विजय एंटरप्राइजेस नॉट ऑन बिहाफ ऑफ अजय तो अजय के एंटरप्राइजेस का हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अजय एंटरप्राइजेस के लिए जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे हम कंसीडर करेंगे लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एक्सपेंडिचर था विच इज़ कॉल्ड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस या चार्जेस जो विजय ने इनकर्ड तो किया लेकिन वो अजय के बिहाफ पे नहीं था मतलब वो विजय का पर्सनल एक्सपेंडिचर होगा इसके लिए इस चीज़ को हम लोग हमारे आंसर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे तो दैट विल बी द कैलकुलेशन दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें इंक्लूसिव वर्ड नहीं था तो डायरेक्ट सॉल्व किया गया इस क्वेश्चन में इंक्लूसिव वर्ड है तो आपको इंक्लूसिव में याद रखना है ऐसे इक्वेशन यूज करना है हमेशा एक आएगा क्या बिल्कुल नहीं नाइन परसेंट दिया था इसलिए एक अगर फोर्टीन परसेंट फोर्टीन परसेंट देंगे तो एक सौ अट्ठाइस आएगा छह परसेंट छह परसेंट देंगे तो एक सौ बारह आएगा मतलब मैं प्लस कर रहा हूं सौ में प्लस कर रहा हूं हंड्रेड में वी हैव टू ऐड दैट तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू तो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर फोर सी तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अभी फोर डी का क्वेश्चन बचा है रजिस्ट्रेशन का तो so, अगले सेशन में हम फोर डी सॉल्व करेंगे जो रहेगा रजिस्ट्रेशन के ऊपर रजिस्ट्रेशन में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक आपका कॉम्पोजिशन स्कीम है और एक आपका ये रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है दोनों हमने सॉल्व करने हैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं तो अगले सेशन में हम सीखेंगे अबाउट रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन देखते कैसे टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन तो अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब कर ले लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम का ऐप डाउनलोड करना ना भूले और सभी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वो फॉलो करना ना भूले ताकि सारी चीज़ें आपको सिस्टमैटिक बेसिस पे मिलते रहेगी थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर